बच्चों आज हम लोग एक नया पार्ट पढ़ेंगे, पार्ट 3 गौरव पुरस्कार। यह हमारे परिवेश का तीसरा पार्ट है। दिसंबर माह के प्रथम सप्ताह में विद्यालय की वार्षिक खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रत्येक कक्षा के बालक बालिकाओं ने अपने अपने मनपसंद खेलों में भाग लिया। खेलकूद के अंतिम दिन समापन समारोह में पुरस्कार वितरण का कार्यक्रम चल रहा था। खेलकूद के साथ ही विद्यालय की अन्य गतिविधियों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए गौरव पुरस्कार, बच्चों यहाँ पर बताया गया गौरव पुरस्कार प्राप्त करने वाले बच्चे के नाम की घोषणा होने वाली थी। हर बार की तरह इस बार भी सदमा के नाम की चर्चा थी। मंच पर प्रधानाध्यापक ने मुख्य अतिथि को पुरस्कार पाने वाले बच्चों का नाम लिखा, कागज दिया और माइक पर उसका नाम बताने का अनुरोध किया। मुख्य अतिथि माइक के पास खड़े हुए बच्चों में सुगबुगाहट होने लगी कि किसका नाम बुलाया जाएगा। तभी माइक पर मुख्य अतिथि ने मधु के नाम की घोषणा की। तालियों के गड़गड़ाहट के बीच मधु ने मुख्य अतिथि से पुरस्कार ग्रहण किया। सदमा को अपने नाम की घोषणा का इंतजार था, किंतु मधु के नाम की घोषणा के बाद उसका मन उदास हो गया। मधु के साथियों ने खुशी से मधु को चारों तरफ से बधाई देने के लिए घेर लिया। सदमा उन्हें दूर से देखकर दुखी हो रही थी। कार्यक्रम समाप्त होने के पहले ही सदमा बुझे मन से घर पहुंची और माँ की गोद में सिर रखकर सुबकते हुए सारी बात बताई। माँ ने सदमा को अपने पास बिठाया और बोली, इसमें दुखी होने की कोई बात नहीं है। हर बार एक ही व्यक्ति जीते ये जरूरी नहीं। अपने अपने प्रदर्शन के आधार पर व्यक्ति जीतता या हारता है। तुम्हें विचार करना चाहिए कि तुम्हारे प्रदर्शन में कमी क्यों आई। मुझे लगा कि हर बार तो मैं ही जीतती हूँ, इस बार भी जीत जाऊँगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मैंने खेल का समय भी पढ़ाई में लगाया, किंतु परीक्षाओं में भी मुझे अच्छे अंक नहीं मिले। ऐसा क्यों हुआ, सदमा ने माँ की ओर देखकर पूछा। शरीर स्वस्थ होता है तो मस्तिष्क भी स्वस्थ रहता है। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए खेल और व्यायाम की आवश्यकता होती है। पढ़ाई के साथ साथ खेलकूद मनुष्य के सर्वांगीण विकास में सहायक होते हैं, माँ ने सदमा को बताया। लेकिन माँ, हम हाथ पैर द्वारा खेलते हैं, इसका मस्तिष्क के स्वास्थ्य पर कैसे प्रभाव पड़ सकता है, सदमा ने आश्चर्यचकित होते हुए माँ से पूछा। सदमा की बात सुनकर माँ मुस्कुरा कर बोली, जब तुम क्रिकेट खेलती हो तब तुमने देखा होगा कि गेंद को पकड़ने के लिए हाथ को बढ़ाते समय यह भी सोचना पड़ता है कि गेंद को आगे बढ़कर पकड़ पाएंगे या पीछे हटकर, या अन्य किस तरीके से गेंद को पकड़ पाएंगे। यह संकेत हमें मस्तिष्क से ही मिलता है और उसी के अनुसार हम गेंद पकड़ पाते हैं। किसी कार्य को करने के लिए शारीरिक या मानसिक रूप से विकसित होना आवश्यक है। पढ़ने लिखने खेलने आदि सभी कार्यों में हमारा मस्तिष्क एवं शरीर दोनों एक साथ कार्य करते हैं। माँ की बात सुनकर सदमा समझ गई थी कि पढ़ाई के साथ साथ खेलों का अभ्यास हमारे शरीर और मस्तिष्क के विकास में सहायक होते हैं। अब पूछ रहा है बच्चों, चर्चा करिए। इसमें पूछ रहा है पहला क्वेश्चन, क्या आप विद्यालय में खेल के घंटे में खेलते हैं? आप लोगों में से कौन खेलने नहीं जाता है? आप खेल में कभी हारे हैं? क्या आपने हार के कारणों को जानने का प्रयास किया है? जीतने वाली टीम को हारने वाली टीम से कैसा व्यवहार करना चाहिए? उत्तर भी आप लोग दे चुके हैं। अब कह रहा है पता करें, खेल के घंटे में यदि कोई बच्चा खेलने नहीं जाता है तो खेलने न जाने के कारणों का पता लगाइए। आप उस बच्चे की क्या मदद कर सकते हैं? गर्मी की छुट्टियां हो गई थीं। सदमा की बुआ अपने बेटे आसिफ के साथ छुट्टियां बिताने आई थी। सदमा आसिफ से मिलकर बहुत खुश हुई। दोनों घर के बाहर धूप में ही खेलने निकल गए। बच्चों को धूप में खेलना देखकर सदमा की माँ ने उन्हें घर के अंदर आकर खेलने को कहा। घर के अंदर भला हम कैसे खेल सकते हैं, खेल तो बाहर ही खेल सकते हैं, आसिफ ने कहा।
फील्ड के अंदर भी खेल सकते हैं, आओ मैं तुम्हें बताती हूँ, सदमा की माँ ने कहा। सदमा और आसिफ ने बात मान ली और अंदर आ गए। घर के अंदर माँ ने सदमा को कैरम बोर्ड निकाल कर दिया। आसिफ ने उन्हें साफ़ किया और कैरम बोर्ड पर पाउडर छिड़क कर गोटियाँ सजाने लगा। तभी पड़ोस के नूतन और नवीन भी आ गए। वे सभी साथ में बैठ कर खेलने लगे। खेलते हुए अचानक आसिफ ने कैरम बोर्ड को पलट दिया, जिससे बची गोटियाँ गिर गईं। नूतन को बहुत गुस्सा आया। सदमा ज़ोर ज़ोर से आसिफ को भला बुरा कहने लगी। नवीन की आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि वह जीतने वाला था। शोरगुल सुनकर आसिफ की माँ वहाँ आई। पता चला कि आसिफ खेल में हार रहा था, अतः उसने खेल खत्म होने के पहले ही खेल को बिगाड़ दिया। हम जब भी कोई खेल खेलते हैं तो उसमें या तो हम जीतते हैं या हारते हैं। उस हमारी कोशिश होती है कि हम जीते, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता। हार जाने पर हमें जीतने वाले खिलाड़ी के खेल के प्रयासों की प्रशंसा करनी चाहिए और उसे बधाई देनी चाहिए। यदि हम जीतते हैं तो हारने वालों के प्रयासों की सराहना करनी चाहिए कि उसने अंत तक जीतने का प्रयास किया। जीतने पर अहंकार की भावना नहीं आनी चाहिए। माँ से ये सारी बातें सुनकर आसिफ को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने नूतन, नवीन, सदमा से माफ़ी मांगी। पुनः चारों खेलने बैठ गए। अब बच्चों आप बताइए, क्या आसिफ का यह व्यवहार उचित था? आप आसिफ की जगह होते तो क्या करते? चलिए हम आप लोगों को अब दूसरा चीज़ पर बताते हैं, आओ जाने खेल के प्रकार। बच्चों इसमें खेल के प्रकार को बताया गया है। खेल दो प्रकार के होते हैं, जो आप लोग खेल खेलते हैं वह दो प्रकार के होते हैं। पहला है इंडोर गेम। इंडोर गेम का क्या मतलब होता है देख लीजिए। इसका अर्थ है घर के अंदर खेले जाने वाले खेल, जैसे शतरंज, टेबल टेनिस, कैरम। इंडोर का गेम का अर्थ हो गया यहाँ पर घर के अंदर खेले जाने वाले खेल। दूसरा है आउटडोर गेम। आउटडोर गेम क्या होता है? इसका अर्थ है खेल के मैदान में खेले जाने वाले खेल, जैसे हॉकी, क्रिकेट, फुटबॉल आदि। आउटडोर गेम स्वास्थ्य की दृष्टि से अधिक अच्छे होते हैं, क्योंकि ये खुले वातावरण में उछल कूद के साथ खेले जाते हैं। इंडोर गेम शांत वातावरण में मानसिक रूप से अधिक सक्रिय होकर खेले जाते हैं। कुछ खेल इंडोर और आउटडोर दोनों होते हैं, जैसे बैडमिंटन और टेबल टेनिस। बच्चों कुछ खेल इंडोर भी होते हैं और आउटडोर भी होते हैं, जैसे बैडमिंटन और टेबल टेनिस। इस प्रकार यह पाठ समाप्त हुआ। आप लोग इसको वीडियो को दो बार तीन बार ज़रूर देखिएगा। धन्यवाद।